नमस्ते, मेरा नाम खुशी है और आप देख रहे हैं द पंचायत। वीडियो शुरू होने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब बढ़ते हैं आज की रिपोर्ट की ओर। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को गुजरे हुए एक सप्ताह से ज़्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन प्रशंसकों पर इसका प्रभाव अभी तक है। अब तक कर्नाटक में मौत के ऐसे 10 मामले सामने आ चुके हैं जहां प्रशंसक अपने पसंदीदा स्टार की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर सके। इसके अलावा आत्महत्या से जुड़े कुछ मामले भी दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, सुपरस्टार के पद चिन्हों पर चलते हुए आंखें दान करने के चक्कर में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जानकार भी बताते हैं कि राजकुमार की मौत के बाद नेत्रदान का ग्राफ बढ़ा है। हालांकि दिवंगत एक्टर के परिवार ने लोगों से शांत रहने की अपील की है। राज्य में दर्ज किए गए मौत के 10 में से 7 मामले आत्महत्या के हैं, जबकि 3 लोगों की मौत का कारण हृदय गति रुकना रहा। इसके अलावा 3 लोगों ने आंखें दान करने के लिए अपनी जान दे दी। 3 नवंबर को टुमकुर के रहने वाले भरत ने फांसी लगा ली। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा, वे अप्पू के जाने का दुख सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसके साथ रहने के लिए जा रहा हूँ, उन्हीं की तरह मेरी आंखें भी दान कर देना। बेंगलुरु शहर के अन्य कल के रहने वाले राजेंद्र ने भी आंखें दान करने के लिए आत्महत्या कर ली। उन्होंने 31 अक्टूबर को घर में फांसी लगा ली थी। रामनगर जिले के चन्ना पटना के रहने वाले 26 वर्षीय वेंकटेश ने 4 नवंबर को आत्महत्या कर ली थी। परिवार का कहना है कि वह अपने पसंदीदा एक्टर की मौत से दुखी थी, तब से ही उसने खाना भी बंद कर दिया था। एक निजी चैनल से बात करते हुए नारायण नेत्रालय के डॉक्टर भुजंग शेट्टी ने कहा कि पुनीत की मौत के बाद बड़ी संख्या में लोग नेत्रदान का संकल्प ले रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले आंखों के अस्पताल में ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 आवेदन आते थे, लेकिन बीते 3-4 दिनों में हमें नेत्रदान का संकल्प लेने वाले लोगों के कम से कम 100 आवेदन मिल रहे हैं। हमें बीते 4 दिनों में 14 लोगों के आवेदन मिले हैं, जिसका मतलब है कि 28 आंखें। एक दिन में 1 या 2 आंखें मिलना मुश्किल होता था, ख़ास तौर से कोविड के बाद, लेकिन दान के मामलों में तेज़ इजाफा अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये आंकड़े केवल एक आई बैंक के हैं। राज्य भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां नेत्रदान के आवेदकों की संख्या में काफ़ी बढ़त हुई है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।